दोस्तों, रौरकेला की सर्दी किस्मत वालों को ही नसीब होता है। उसके ऊपर इन सर्दियों के शाम को अगर मंडल भाई के स्टॉल से आपने जलेबी और पकोड़े खा लिए तो भाई मजा दुगना हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम आके पहुंचे हैं बसंती कॉलोनी के मंडल भाई के जलेबी पकोड़ी स्टॉल में। इनका ये स्टॉल काफी पुराना है। मंडल भाई बताते हैं कि पिछले 20 साल से वो यहाँ पे जलेबी और पकोड़े बेच रहे हैं। बसंती और इसके आसपास जो भी एरिया हैं, लगभग सारे लोग मंडल भाई के जलेबी के बारे में जानते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज जाके खुद हम ये चख के देख लें। इस कड़कड़ाती ठंड में मंडल भाई के जलेबी पकोड़े के साथ अगर एक चाय मिल जाए तो बात ही बन जाए। हालांकि मंडल भाई के जलेबी और पकोड़ों की चाहिदा इतना ज्यादा है, पूरे साल भर इनके स्टॉल के सामने शाम ढलते ही भीड़ का जमावड़ा देखने को मिलता है। यहाँ जलेबी और पकोड़े बनाने का जो प्रोसेस है ना, बहुत नीट एंड क्लीन एंड सिंपल है, जो हमें बहुत अच्छा लगा। मंडल भाई का स्टॉल अगर आप आना चाहते हो तो बसंती के जगन्नाथ मंदिर के ठीक ऑपोजिट में मंडल भाई का स्टॉल आपको दिख जाएगा। सर्दियों का पूरा आनंद अगर लेना चाहते हो तो शाम को इनका जलेबी और पकौड़ी जरूर ट्राई करना। दोस्तों, अगर आपने भी यहाँ जलेबी और पकोड़ों को ट्राई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताएं।